दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूं बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, आप आराम से बैठ करके पैसे कमाएंगे। थोड़ा सा पैसा आपके पास यदि 1,00,000 रुपए हैं या 1,00,000 रुपए से कम है तो भी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज आपको पूरे 50 बिजनेस आइडियाज आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आप अपने घर पे रह करके या फिर एक छोटा सा दुकान करके आप पैसे कमा सकते हैं। वैसा टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं, जो पूरे 50 आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं, काफी सर्च करने के बाद मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने घर पे रह करके बैठ करके पैसे कमाएंगे, कस्टमर आपको ढूंढते आएंगे और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं कि किसी एक भी ऐसे दुकान या फिर किसी भी एक आइडियाज को यदि आप अगर सच में उस पर काम कर देते हैं, अपना सच में यदि पूरी मेहनत के साथ पूरे लगन के साथ यदि उस काम को करते हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब सफल होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, काफी मोटिवेशन मिलता है मेरे को लाइक करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या है और कैसे है। आप वैसे ऑलरेडी आप जानते होंगे लेकिन मैं 1 से 50 बिजनेस आइडियाज दे रहा हूं जिसमें कोई ना कोई बिजनेस आइडियाज आप देख करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उस पे काम करके अच्छा खासा मुनाफा और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो भी, नहीं है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि अभी आज के टाइम में जो है पहले नंबर पे जो है अभी हर किसी के पास बाइक है, कोई ना कोई साधन है और वो चलाता है तो वो खराब भी होता है। तो मेरा पहला बिजनेस आइडियाज है, यदि आप समझदार लोग हैं तो समझिएगा, घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा कि ये मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप इंसान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जो बाइक वाला मैं बिजनेस बता रहा हूं, यदि बाइक अगर उसका मेंटेनेंस यानी बाइक रिपेयरिंग का काम यदि आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो सीख सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं करना है तो किसी को रख करके आप उसका दुकान खोल सकते हैं, छोटे कम पूंजी से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मेरा पहला जो था, मेरा पॉइंट में मैंने लिखा था, मैंने नोट किया था, जो बाइक का जो रिपेयरिंग वाला काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 50 आइडियाज हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा व्याख्यात उसको बताऊंगा तो। एक एक चीज को जब आप कमेंट करेंगे तो मैं व्याख्यात में ही बताऊंगा कि कैसे करना होता है। पहले मेरी जो 50 आइडियाज है वो सुन लीजिए, उनमें से कोई ना कोई आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है मिठाई का जो बिजनेस होता है। जैसे जानते हैं कि अभी शादी विवाह का समय चल रहा है या फिर मिठाई का जो बिजनेस है वो तो हरदम चलता है। ठीक है, उसको आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है मैं आपको बता दूं, जो तीसरा मैंने नोट किया है वो है बर्गर का। जी हाँ, बर्गर पिज्जा ये से जो अगर बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको सीख करके कर सकते हैं। जो बर्गर का है वो शाम को प्रत्येक दिन लोग खाते ही खाते हैं, जो खाने वाले लोग हैं। ठीक है, बर्गर का यदि आपको कारीगरी आता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और जो अगला मेरा पॉइंट है वो है केक का। जी हाँ, आप जानते हैं कि बर्थडे या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें केक जो है लोग यूज करते हैं। ठीक है, और केक का काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है, हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होता ही होता है। आपके गांव में अगल बगल ये नहीं होगा तो आप केक का भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा जो है वो है जानवरों को खाने वाला जो सामग्री होता है, जैसे चोकर हो गया, खल्ली हो गया, ये सब जैसे जो जानवर खाते हैं, जानवरों को खिलाया जाता है। ठीक है, भूसा में लपेट करके जो चीज खिलाया जाता है, आप यदि चाहें तो भूसे को भी रख सकते हैं, साथ में जो जानवरों को खिलाया जाता है वो भी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं और रख करके उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करके जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक चीज को यदि सच में बताने लगा पूरा व्याख्या करके तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं फटाफट आपको बताता हूं। अगला जो है छठवां वो है हार्डवेयर की दुकान। जी हाँ, हार्डवेयर जैसे मान लीजिए कील कांटी है ना, ये सब बोल्ट वगैरह, नट वगैरह, प्लास रिंच, ये सब जो हार्डवेयर में आते हैं, इसको यदि आप चाहे तो इसको भी आप रख करके बेच सकते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है मेडिकल स्टोर, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर होता है दवाई की मतलब होता है, तो आप किसी से डीलरशिप लेकर के या फिर आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप उसका लाइसेंस अगर लेकर के आप मेडिकल भी खोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मेरा अगला जो नौवां पॉइंट है वो है जूस का। जी हाँ, जूस का जो बिजनेस होता है, जैसे आजकल हर किसी को मतलब जूस पीना पसंद है, सेहत के लिए फायदेमंद है, यदि आप चाहे तो जूस का भी शॉप खोल सकते हैं, जूस का भी दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो वॉच रिपेयर। वॉच रिपेयर से मेरा मतलब है कि यदि घड़ी लोग बांधते हैं, अभी काफी कम हो गया घड़ी का मतलब नहीं बांधते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शौकीन लोग हैं जो दीवार वाली घड़ी या फिर घर में घड़ी लगाते हैं और रखते हैं, तो घड़ी का भी दुकान खोल सकते हैं, घड़ी का भी शोरूम खोल सकते हैं, घड़ी का भी
स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कम, देखिए कोई भी काम कीजिएगा कम पूंजी से कीजिएगा। मैं फटाफट बता देता हूँ, लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा कि करना कैसे होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं अंडे का जो बिजनेस है, अंडे का जो अंडा लोग खाते हैं उसी अंडे की मैं बात कर रहा हूँ। अंडे का आप चाहें तो होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अंडा जो है खाने वाली चीज है, वो लोग खाते हैं। ठीक है, वो सुबह शाम जिस टाइम पे यदि चाहे तो कैसे बेचना है, मैंने वीडियोस भी आपको बना के दिया था, अगर वो पसंद आया तो लाइक भी किया था और काफी ज्यादा उस पर व्यूज भी आए थे। ठीक है, तो अंडे का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला है। ठीक है, अगला जो मेरा पॉइंट है वो है जी चिकन का। जी हाँ, चिकन भी काफी ज्यादा बिकता है, लोग खाते हैं, जो खाने वाले लोग हैं वो चिकन को भी खाते हैं, तो चिकन का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वेल्डिंग का जो बिजनेस होता है, जैसे अब मैं आपको बता दूं, जो वेल्डिंग होता है जैसे चारपाई हो गया है ना, या फिर लोहे का जो एंगल पत्ती वो जो मतलब बनाते हैं ना वेल्डिंग मार के, तो वेल्डिंग का कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो किसी से करवा सकते हैं, टेक्नीशियन रख करके करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बजट लगता है, तो बजट आप लो से स्टार्ट कीजिए, ज्यादा हाई बजट को मत बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद से आ गया धुलाई। जी हाँ, धुलाई जो जैसे मान लीजिए कार है, ऐसे बाइक है, पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे चीज हैं जो धुला जाता है, क्योंकि आजकल के जमाने में सबके घर में है जो बाइक वगैरह है, कार वगैरह है। ठीक है, तो लोग धुलाई कराने के लिए ढूंढते रहते हैं, तो धुलाई का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेरा वो है, अगला जो आइडियाज है वो है वेस्टेज का सामान। यदि वेस्टेज का शॉप लेकर के आप डीलरशिप लेकर के यदि आप चाहते हैं, आप मतलब उसका डीलर बन सकते हैं वेस्टेज में, तो आप कम पैसे में ज्वाइन होकर के आप दुकान भी कर सकते हैं और अच्छा खासा उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं। अगला जो है वो मेरा है आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड के मामलों में जानते हैं किसी का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, कोई कुमारी है, कुशवाहा है, पता नहीं क्या क्या अलग अलग डिफरेंट होते रहता है, और लोग उसको ठीक कराने के लिए भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं यार कैसे ठीक कराऊं। तो आप आधार कार्ड का जो CSC जो होता है ना, CSC से लाइसेंस लेकर के, और आप आधार कार्ड के बारे में उसको ठीक कर सकते हैं। अगला जो मेरा है वो है होलसेल की दुकान। किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, यानी कोई भी चीज का आप होलसेल का दुकान कर सकते हैं। जैसे होलसेल करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा दुकानदार आपके पास आते हैं और आपसे जो है सामान लेकर जाते हैं और उसको फुटकर में बेचते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट है। अगला जो है मेरा वो है मछली का। जी हाँ, मछली पालन यदि करना चाहते हैं, मछली आप फुटकर में बेच सकते हैं, आप चाहें तो उसका होलसेल भी कर सकते हैं, या फिर मछली को पालन कर सकते हैं, पानी में रख करके उसको आप बेच सकते हैं। जिस तरीके से चाहे आप मछली का कारोबार भी आप कर सकते हैं, ये 12 महीने चलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला जो है वो है मेरा पान का जो पत्ता होता है, उसको आप मंगवा करके आप उसको होलसेल में बेच सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब रोज चलने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोज चलता है। अगला जो है वो है स्टेशनरी का दुकान। जैसे मान लीजिए कॉपी किताब हो गया, टेप टपू है ना, मतलब बहुत ऐसे चीज होते हैं जो स्टेशनरी की दुकान होती है, वहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नजदीकी देख करके और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हेयर कटिंग सैलून होता है, जो आप जानते होंगे जो बाल वगैरह काटते हैं, तो उस तरीके का सैलून भी यदि आप चाहे तो खोल सकते हैं। अगला जो है वो है साड़ी का होलसेल की दुकान। जी हाँ, साड़ी अगर चाहें तो आप साड़ी का होलसेल दुकान भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, साड़ी आजकल मतलब हर कोई पहनता है, हर कोई नहीं पहनता, जो भी माताएं बहनें लेडीज होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आप चाहें तो उसका स्टार्ट कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं साड़ी का। ठीक है, किराने का बिजनेस है, किराने का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला है, अब वो 12 महीना चलता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं गिफ्ट का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलता है, कपड़े का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलता है। ठीक है, टिकट बुकिंग सेंटर, टिकट बुकिंग लोग कराते हैं ऑनलाइन आजकल के दौर में, ज्यादातर टिकट मतलब जो बुकिंग होती है टिकट वगैरह का, तो उसका भी बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला होता है। मोबाइल का शॉप आप खोल सकते हैं, मोबाइल का जो दुकान होता है उसको भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है, वो रिपेयर होता रहता है, नया पुराना लोग खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो उसका भी आप दुकान कर सकते हैं। अगला है वो पौधों का जो बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो पौधे बिकते हैं, उसका भी आप चाहें तो बीज को पौधा बना करके आप उसको बेच सकते हैं। अगला जो है वो चश्मे का है। जो यहाँ चश्मा भी आज काफी लोग जो है शीशा बदलवाते हैं, चश्मा नया खरीदते हैं। ठीक है, तो चश्मे का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मैं चीज बता रहा हूं, आप पहले अपने नजदीकी में देख लीजिएगा, क्या आपको मतलब लग रहा है कि प्रॉफिटेबल, मतलब जिसमें आमदनी होगा, जो आपके आसपास नहीं है या कम है, तो उसको आप किसी और तरीके से करेंगे तो वो चलेगा, जरूर चलेगा। ठीक है, पेंट का भी बिजनेस काफी ज्यादा चलता है, क्योंकि पेंट का किसी भी कंपनी से आप डीलरशिप लेकर के पेंट का भी कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से मसाले का भी बिजनेस है, उसको भी आप कर सकते हैं।
मसाला आजकल बहुत तरह तरह के मार्केट में है, फुटकर में, जिस तरीके से चाहे पैकेट में, जिस तरीके से चाहे आप मसाले का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप रिपेयरिंग यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, कर सकते हैं, सीख के भी कर सकते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग का भी कभी कम होता है। दर्जी का जो काम होता है, जी हाँ, कपड़े सिलाई करने वाला काम है, उसको भी यदि आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर, यदि महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं वो ब्यूटी पार्लर चाहें तो खोल सकती हैं। फर्नीचर का दुकान भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर का तो ये 12 महीने चलने वाला है। बर्तन का भी आप कर सकते हैं, पंपलेट छापने वाला बिजनेस कर सकते हैं, बैग का दुकान आप कर सकते हैं, दूध का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बिस्कुट का भी होलसेलर आप चाहे तो कर सकते हैं, बैग का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, दूध का भी बिजनेस कर सकते हैं, माचिस का भी बिजनेस कर सकते हैं, खिलौने का भी बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। भगवान का जो पोस्टर्स होता है, जैसे मान लीजिए जो भगवान का पोस्टर्स होता है, तो उसको भी यदि आप चाहें तो उसको भी बेच सकते हैं, ठीक है, दुकान करके या फिर घर घर जा करके। अभी कोरोना वायरस के चलते तो मतलब घर घर नहीं जाते हैं लोग, लेकिन लोग आपको ढूंढते भी आएंगे किसी एक जगह यदि आप शॉप खोल लेते हैं तो, ठीक है। सेकेंड हैंड हर चीज सामान यदि खरीदते हैं, सेकेंड हैंड रखते हैं, सेकेंड हैंड खरीदने वाले काफी लोग हैं, तो सेकेंड हैंड सामान आप खरीद करके उसको बेच सकते हैं। साइकिल रिपेयर का भी जो है 12 महीना चलने वाला है, साइकिल रिपेयर का भी आप काम कर सकते हैं। कपड़ों को फेरी करके चाहे तो आप बिचवा सकते हैं, यदि आपको नहीं बेचना है तो कपड़े का जो फेरी लगाने वाले होते हैं उनसे संपर्क करके माल उनको दे सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा इनकम देता है, ठीक है। उसके बाद से अगर आइए तो बेचने का जो बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए बाल जो होते हैं माताएं बहने का, जो बाल टूट के गिर जाता है, वो बाल इकट्ठा करके लोग खरीदते हैं और खरीद करके उसको अच्छे खासे मुनाफे रेट में उसको बेचते हैं, तो चाहे तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी चीज का, जैसे कोई भी चीज का ठेका ले सकते हैं, ठेका लेकर के आप उसको ठेकेदारी में जैसे अपना वो करके और फिर आप ठेका लेकर के काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको पूरे 50 आइडियाज आपको मैंने बता दिया। आप चाहें तो कोई भी एक भी ऐसा काम है जिसको आप चाहें तो अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, मन है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले अपने नजदीकी दुकानों में, नजदीकी शहरों में आप उसको अच्छी तरह से पता कर लीजिए कि इसमें क्या क्या लगता है, कोई सर्टिफिकेट लगता है, क्या लगता है, कैसे लगता है और किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। जिस तरीके से आपको लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन कानून के दायरे में रह करके कीजिएगा। कोई भी अपने मन से आप कदम मत उठाइएगा। मैं आपको आइडियाज दिया हूं, आप आइडियाज पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, ठीक है। मेरे कहने से आप स्टार्ट मत कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको आइडियाज दिया हूं। आइडिया यदि अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियोज को, क्योंकि मैं एक एक चीज बड़ी सर्च करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यही कुछ आइडियाज थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिए वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार है कि आज इतना जो है हम लोग का परिवार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कौन सा बिजनेस आज ही स्टार्ट कर रहे हैं और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं आपके लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हूं यार। प्लीज यार भाई लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।